हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पता किया कि लोकस क्या होता है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि उस लोकस की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि जो मैंने एक कर्व निकाला था, है ना, जो कर्व था जिसको हम बोल रहे थे पाथ, ऐसा कोई पाथ था। अब ये पाथ को हम बोलते थे कि अगर ये पाथ किससे जनरेट हुआ, पी पॉइंट जब मूव हुआ तो ये पाथ जनरेट हुआ। साइमल्टेनियसली इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो जो मुझे इसकी रिलेशन मिली, मैथमेटिकल रिलेशन मिली, उस मैथमेटिकल रिलेशन को इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स में कंसिडर करूँ, वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। अगर वो सारे के सारे उसको सेटिस्फाई करते हैं तो मैं बोलूँगा इट इज़ इक्वेशन ऑफ दिस लोकस और इक्वेशन ऑफ दिस पाथ। तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं बोल सकता। तो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूँ तो मैं ऐसे बोलूँ, इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ योर पॉइंट पी। तो ये इक्वेशन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन को निकालना कैसे है, ये इक्वेशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं, वो स्टेप्स देखते हैं क्या होती हैं। पहली स्टेप, सबसे पहली स्टेप तो ये है कि मेरे को उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करना पड़ेगा। तो पी पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं अज्यूम कर लूंगा एच कॉमा के। सो अज्यूम इसके कोऑर्डिनेट्स। फिर अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए तो सेकेंड पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको फॉर्म करना पड़ेगा। जो रिलेशन मुझे वर्ड्स में दे रखी है उसको मेरे को मैथमेटिकली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्म में। इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म एच कॉमा के को यूज करते हुए। थर्ड में अब मैं चेक करूंगा उसमें कुछ वेरिएबल्स वगैरह हैं क्या। तो अगर कुछ वेरिएबल्स हैं तो उनको मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, अगर उसमें कुछ है तो, इफ एनी। तो अगर ये सारे काम हो गए तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से। तो जो मुझे मिलेगा वो होगी इक्वेशन टू अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, क्योंकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से समझ के ही सॉल्व, मतलब उसको समझ, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पक्का तभी करते हैं जब हम उसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल रेडी है हमारे लिए। ये बोल रहा है कि कंडीशन बोल रहा है, देखो ये द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स ये और ये। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स, पहले मुझे सम किसका करना है, स्क्वायर्स का सम करना है। तो किस किस का सम करना है, पॉइंट ए और बी के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का स्क्वायर करना है और फिर उनको ऐड करना है, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट से, और उसको इट शुड बी मेड इक्वल टू 2s². तो ये स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन है इसका कि सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब पी ए एक डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर किया। अब सम करना है किसके साथ में, सेकेंड पॉइंट के साथ में। तो ये दूसरा डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका सम हो गया। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम मूविंग पॉइंट पी टू फिक्स पॉइंट ए, फ्रॉम मूविंग पॉइंट पी टू फिक्स पॉइंट बी, एंड इट शुड बी मेड इक्वल टू 2s². तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से पी और ए के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था। तो अब हमको स्टेप वन क्या थी, पी को एच कॉमा के अज्यूम करना है। तो ये स्टेप वन अज्यूम करी, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं लिख देता हूँ एच माइनस आर होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस एच प्लस आर होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो होल स्क्वायर, एंड इट शुड बी मेड इक्वल टू 2s². देर आर नो वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई, मैथमेटिकल रिलेशन इन एच कॉमा के फॉर्म हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस टू सॉरी माइनस 2rh प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rh
प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2s स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने 2h है हमारे पास में, 2k हैं हमारे पास में और 2r हैं हमारे पास में और 2rh माइनस 2rh प्लस, ये दोनों हट जाएंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है r स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस h कॉमा k विद x कॉमा y। तो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन टू लोकस ऑफ पॉइंट P। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक और एक या दो एग्जांपल और देखेंगे ताकि हम इसी टॉपिक को और पक्का करें, उसके बाद में हम लोग कुछ टॉपिक्स और करेंगे ताकि हम इस सीरीज़ को वाइंड अप कर सकें। इफ़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक दिस लेक्चर एंड रिकमेंड दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स।